गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्किंग की कुछ डिवाइसेस वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, तो एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था हब्स क्या होता है। तो हब्स बेसिकली, अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं तो मोर डिटेल में पढ़ेंगे तो और बताऊँगा। हब्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हब्स होते हैं, मेनली एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हब्स क्या होता है, जो सिग्नल्स को रीजनरेट करे। मीन्स सपोज यहाँ चार पांच ये कंप्यूटर, ठीक है, ये इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाला कंप्यूटर इससे कुछ डेटा सेंड करना चाह रहा है, लेकिन क्या होता है जब ये सेंड कर रहा है तो सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। अब सिग्नल्स जाते हैं तो क्या होता है, डेटा मतलब पावर उनकी लॉस हो जाती है। तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, मतलब जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसे बढ़ा देता है। और इसको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स बहुत सारी बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे डिवाइसेज आते हैं जो इथरनेट केबल लगाती थी, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनको कोई अलग से सप्लाई, पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको पड़ती है एक्टिव हब्स को। और उसी में पैसिव हब क्या होता है, जो पावर्स को एम्पलीफाई नहीं करता। मतलब इसने कुछ भेजा तो सिग्नल जाते 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 यहाँ तो बहुत ही वीक हो जाते हैं ना, देखो अगर सिग्नल्स भी आ रहे, मतलब कम आ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। तो ये क्या, इसको पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ अगर आपने कनेक्शन ऑन कर दिया, किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा सप्लाई, पावर सप्लाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हब्स के बारे में पढ़ा। फिर अपने देखा था रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता हो। मीन्स अगर आपका एक डिवाइस यहाँ है और एक डिवाइस यहाँ है, और अगर मैं सपोज इसमें रिपीटर देखूँ तो अगर मेरे को दिखता है तो रिपीटर मिलता है कि रिपीटर, चलो अभी तो इधर जैसे रिपीटर अभी है नहीं, इसके अंदर होगा तो भी पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये डिवाइस, ठीक है, ये कंप्यूटर, ये एक, मतलब ये दो डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस वाले डिवाइस ने इसे कुछ भेजना चाहा, लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी लंबे तार से जुड़े हुए हैं। तो इसे क्या होता है, जब ये कुछ सेंड करेगा तो इसके जो डेटा जा रहा है तो केबल्स के थ्रू जाएगा, तो क्या जाएगा, डेटा का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब बिल्कुल ही नेटवर्क, मतलब डेटा कुछ मिलेगा ही नहीं, इसको लॉस हो जाएगा। तो होता क्या, बीच में हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसे बोलते हैं रिपीटर। वो क्या करता है, यहाँ से इसने जो भेजा, ठीक है, तो उसे फिर से एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल्स को, मतलब वीक नहीं होने देता और बढ़ा देता है। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर मिलता है हर एक चीज़, ठीक है। ये होता है एम्पलीफाई का काम, सॉरी रिपीटर का काम, एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को। फिर ऐसा वाईफाई के लिए भी लगाते हैं घरों में। उसके बाद अपन ने देखा था मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम, ठीक है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ। ये अपने मॉडेम से रहती है, ये क्या करती है कि भाई जो अपना ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो जो भी अपन ने ब्रॉडबैंड ले रखा है, ठीक है, वो एक ये इथरनेट का, देखा आप ये वाला जो है, इसमें इथरनेट का केबल देते हैं वो, तो अपन इसको यहाँ लगाते हैं। तो होता क्या है, जब भी अपने पास ISP से सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो क्या एनालॉग आते हैं। एनालॉग में आपको बताऊँगा क्या होता है, अगर आप यहाँ देखो तो एनालॉग सिग्नल, ये इस टाइप के सिग्नल्स आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक का करंट ही आता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में क्या आता है, ठीक है। तो उसको डिजिटल बनाना है, और डिजिटल आप देख रही है नीचे कंप्यूटर की जो समझता है, मतलब 0-1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, वो डिजिटल, ठीक है, ऊपर या फिर 1 रहता है, ऊपर मीन्स 1 और 0 ऐसा कुछ चलता ही है डिजिटल के फॉर्म में। और कंप्यूटर से कोई चीज़ इंटरनेट पे कुछ डेटा जा रहा है, मतलब कंप्यूटर कुछ सेंड कर रहा है, जैसे अपन ने फेसबुक खोला और उसमें किसी को हाई लिखा, तो अपने से कंप्यूटर से इंटरनेट के फेसबुक के सर्वर पे जो चीज़ जा रही है वो डिजिटल टू एनालॉग। तो मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ओके। उसके बाद अपन ने देखा था फायरवॉल। टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल होती है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर वाइज तो अपने विंडोज़ में ही भी रहती है, जैसा आप लिखा फायर वॉल ही रही है,
तो इसका मैं बताऊंगा, आप एक आधा इसको एक्टिव करके कि फेसबुक बंद करना है, यूट्यूब बंद करना है, वो मैं आपको एक रूल्स बना के बताऊंगा। ये सब पोर्ट वगैरह सब देने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोर्ट नंबर ये मैं आपका इसका एक पूरा बना के बताऊँगा, तो उसमें आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये तो कि सॉफ्टवेयर ये होती है, फायर वॉल हार्डवेयर है, फायर वॉल हार्डवेयर डिवाइस। तो इस टाइप के ये डिवाइस रहते हैं, इनका एक GUI इंटरफेस भी रहता है जहाँ से पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। जितना भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो सबसे पहले जो ट्रैफिक आता है वो फायरवॉल से होके ही गुजरेगा। मतलब कोई अननोन ट्रैफिक आया तो फायरवॉल से रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में चलते हैं, इतने बहुत महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो अपन ने फायरवॉल, उसके बाद देखा था अपने एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट में, ठीक है, ये जैसा आ रहा है। तो होता है क्या, डिवाइसेस लगे रहते हैं, सपोज ये वाला देखो। तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है, सपोज ये अपना कॉलेज का कैंपस है, ठीक है। अब कॉलेज को वाईफाई लगवाना है, तो कॉलेज का काफ़ी बड़ा कैंपस होता है, तो हर जगह वाईफाई पहुंचाने के लिए एक्सेस पॉइंट डिवाइस लेते हैं, जो क्या करते हैं ऑथराइजेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। मीन्स अगर कोई कनेक्ट होना चाहता, जैसे कोई इस डिवाइस की रेंज में है, ठीक है, तो इसको यूज़र मतलब पासवर्ड वगैरह डालेगा और ऑथराइज हो जाएगा। ये अगर कोई इस मतलब अगर आप इस रेंज से इस रेंज में भी आ गए, तो सबका यूज़र पासवर्ड सेम रहता है, तो आप इधर भी चला पाओगे, इधर भी चला पाओगे, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब अगर आप इसको, ये भी पासवर्ड मांग रहा है, ये भी पासवर्ड मांग रहा है, तो हर एक में तो मैन्युअली डालता नहीं कोई, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर WLC रहता है, जहाँ पर हम पूरा एक्सेस पॉइंट के जितने भी पासवर्ड है हम सब सेट कर सकते हैं। हम हर चीज़ दे सकते हैं कि भाई मैक एड्रेस कौन से डिवाइस है, क्या मैक एड्रेस है, किस IP हम उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम WLC में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद राउटर, राउटर क्या होता है, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है राउटर, और इसे गेटवे भी बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ राउटर गेटवे, ठीक है, देखिए इस डायग्राम से समझिए, ठीक है। ये अपन प्रैक्टिकल अपन भी करेंगे, मैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, अब आज के जो राउटर आते हैं वो सब स्विच और राउटर मतलब मल्टी उसके आते हैं, मल्टी वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इधर से इंटरनेट आ रहा, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ ये वाला सही है, एडवांस ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपके कॉलेज का वो लगा या फिर कंपनी का कुछ लगा स्विच है, और स्विच से लैन के थ्रू ये आपका लैपटॉप डेस्कटॉप चल रहा है, ठीक है। आपने कुछ भेजा तो सबसे पहले डेस्कटॉप चाहिए स्विच पे, स्विच कनेक्टेड होता है सर्वर से, सर्वर भी एक तरह के राउटर से है। सपोज ये आपका राउटर है, अब आपको दूसरे नेटवर्क में आपको PC4 से PC इस इधर के PC1 को कुछ भेजना है, तो आप स्विच पे जाएगा, स्विच इस पे जाएगा और ये वाला इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और ये इधर होते हुए तो राउट, ये जैसे गेटवे राउटर है, तो राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ये राउटर होता है। बस आप ये डेफिनेशन मेन है कि राउटर दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, वो राउटर है, ठीक है। अब अपने जो आती है DSL वगैरह राउटर, जैसा आपने देखा होंगे DSL राउटर, ठीक है, ये क्या होता है मल्टी पर मतलब मल्टी वो वर्क करते हैं, जिससे इसके अंदर मॉडेम का भी काम कर ले, मॉडेम भी इनको हो जाते हैं और ये राउटर भी रहते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपर्पज रहते हैं ये, मतलब मॉडेम का भी काम कर लिया ना राउटर भी, गेटवे भी यही होता है अपने से। ये तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इधर का ISP ने जो केबल दिया अपन को इथरनेट केबल, वो इधर लगाते हैं ना, अपन इससे लैन के थ्रू 4-5 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई बन जाता है, तो इसे DSL वगैरह ही है, ठीक है। तो आज हम कवर करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊँगा आज, सॉरी IP, ठीक है। तो मैंने उस दिन आपको बता रहा था कुछ IP एड्रेस, IP एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही सर्च करें,
आईपी एड्रेस क्या होता है, मतलब ये जो नंबर रहता ना, ये आईपी वर्जन 4 है, मतलब ये यूँ मान लो 4 डॉट्स रहते हैं और कुछ नंबर रहता है जो एक कंप्यूटर या डिवाइस के एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आईपी वर्जन दो तरह के भी देते हैं, 4 और 6, वो आपको डिटेल बताऊँ। तो अगर आपको जानना है कि मेरे कंप्यूटर का आईपी क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, मतलब आपने जिस भी तरह से, मतलब लैन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, जैसे मेरा वाईफाई है, ठीक है, मैंने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करा था, जो मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ और जो मेरे को आईपी मिल रहा है, जो मेरी जियो की सिम है वो मेरे को जो आईपी दे रही है, तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो जो मतलब लोकली, लोकल जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें यूज़ होता है, वो मैं डिटेल में बताऊँगा, अभी आप ये समझिए, ठीक है। ये आपका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मैं चीज़ बता दूँ, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस .com, ये एक साइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, और ये भी ये बता रहा था 99 वाला 99, ठीक है। तो आप अगर इसको जूम करोगे ना, तो आपके आईपी एड्रेस की डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस ये है और ये बहुत सारी चीज़ें, देखो ASP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेरा जियो है, ठीक है, वायरलेस टाइप ब्रॉडबैंड, तो ये कॉन्टिनेंट एशिया, कंट्री मेरी इंडिया। देखिए अब जियो का जो मतलब सबसे पास का जो मेरा सर्वर है वो MP के अंदर ही होगा, तो ये इसलिए MP का दिखा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मेरा ये शायद ये भोपाल, देखिए, ठीक है। तो जो मेरा ISP का जो जहाँ पर डेटा जा रहा है, मेरा जो मेरा जियो से डेटा निकल के सबसे पास के जो सर्वर में जा रहा है MP, वो मेरा भोपाल है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी का भी, दूसरे का भी IP एड्रेस निकाल के डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो ही IP, एक और चीज़ रहती है, मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, एक पिंग करके, पिंग क्या होता है, टेस्टिंग करने के लिए काम आता है, मतलब पिंग अगर आप किसी को मतलब रिस्पॉन्स देता है कि भाई वो कोई चीज़ आपसे कनेक्टेड है कि नहीं, जैसे आप यहाँ लिखोगे पिंग google.com, तो होगा क्या, अब गूगल रिप्लाई करेगा, हाँ भाई मैं चल रहा हूँ, मैं कनेक्टिविटी आ रही, पिंग कुछ डेटा भेजेगा गूगल को, गूगल उसका रिप्लाई करेगा। जैसे मैंने एंटर करा तो देखिए 32 बाइट 32 बाइट, और ये गूगल का IP है, ठीक है। टाइम टू लीव, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, जैसे इसने कुछ 4 पैकेट भेजे और 4 उसको रिसीव हुए और एक भी लॉस्ट नहीं हुआ, मतलब गूगल की तरफ से कहीं किसी भी तरह का बीच में लॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है। अब जैसे गूगल का IP है, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट भी पिंग कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने गूगल का IP है, मैंने इसे कॉपी किया, अब गूगल का जो सबसे पास का सर्वर होगा इंडिया में वो यहाँ बता देगा, देखना, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल, ऑर्गेनाइजेशन गूगल, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, कंट्री US, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो मेरा जो डेटा जा रहा है, मतलब गूगल जो मेरे कुछ गूगल का सर्वर अभी कहाँ पर है, US में, तो वहाँ से वो मेरे को रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है ना। तो आप यहाँ किसी का भी IP एड्रेस डाल के यहाँ देख सकते। एक और चीज़ होती है यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊँ, पिंग आपको जैसा आपको किस कोई भी वेबसाइट पिंग करोगे, जैसे पिंग facebook.com, ठीक है, तो फेसबुक के रिप्लाई आ गया, तो भाई फेसबुक चल रहा है। अगर मैं फेसबुक का देखूँ, अभी फेसबुक का सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश है, मतलब कौन सा सर्वर पर, इनके सर्वर बड़े बड़े कंपनी के सर्वर एक से ज़्यादा होते हैं, वो उनको कौन सा वाला सर्वर मेरे को रिप्लाई कर रहा है वो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये IP फेसबुक ISP आ गया ना, देखो फेसबुक कैच कर लिया,
कॉन्टिनेंट यूरोप और कंट्री है आयरलैंड, ठीक है। और सिटी भी बता दिया तुमने, डुबलिन। तो देखिए ये, ये काम है ये रहा, ठीक है। तो इस वाले सर्वर में वो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, अगर ये इस आईपी को आप यहाँ पर डालोगे तो फेसबुक ही खुलेगा, देखिए ये बढ़िया चीज़। और अगर मैं और पिंग किया google.com, तो इसका जो आईपी है, ठीक है, ये मैंने करा तो देखिए गूगल ही खुल रहा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया जो राउटर रहते हैं वो एक से ज़्यादा मतलब अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात करना चाहता है तो उस राउटर की हेल्प लगेगी, ठीक है। तो अपन ये चीज़ कर कैसे करें कि भाई अपन जो डेटा भेज रहे हो गूगल को वो किन किन पाथ किन किन राउटर मतलब कौन कौन से आईपी से वो शो कर देगा अभी, तो कैसा जा रहा है अपने गूगल पे डेटा। तो आप एक कमांड है ट्रेस आरटी, ठीक है, और जो मैंने लिखा google.com, ठीक है। तो देखिए थोड़ा टाइम ले सकता है, ये जो है मेरे मोबाइल का वो है, सबसे पहले मेरा मोबाइल पे जा रहा है डेटा। तो से आईफोन टी आर टी आईफोन डी डी google.com, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो डेटा जा रहा है वो मेरे मोबाइल पे जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी अब जो जहाँ जा रहा होगा वो ये आईपी हो सकता है मेरे आईएसपी का हो या फिर किसी लोकल का हो, ठीक है। अभी देखिए मैं अगर कॉपी करूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ डाला, ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा। सॉरी देर इज नो सच आईडी, अरे ये वाला आईपी है, आईपी लुकअप में गए, ठीक है। ये 10 वाला अपन देखते हैं, 10 वाला कहाँ का है। अच्छा ये तो मेरा लोकल ही है, 192 वाले 10 वाले क्या रहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस 172, ठीक है। तो बहुत सी बार सिक्योरिटी रीजन के कारण इन्होंने क्या हर चीज़ें क्या हाइड कर रखी होती है। तो ये देखिए स्टार स्टार टाइम लिख के स्टार, तो वो सिक्योरिटी रीजन देते हैं, जैसे अपन ये वाला देखें, ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस किधर का है, तो यहाँ पर गए तो देखिए ये गूगल का है, गूगल को पिंग कर लिया, ठीक है। ये वाला भी कैसा है, 1808 वाला, ये भी गूगल का है। तो गूगल के मतलब अलग अलग सर्वर रिप्लाई कर लोगे, तो इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। तो आज अपन ने देखा पिंग और ट्रेस आरटी, ये कमांड मैंने आपको बताई। इसका अगर हम चलते हैं तो अब हम चलते हैं कुछ जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, और जैसे सबमरीन केबल, सबमरीन केबल, ठीक है। तो सबमरीन केबल क्या होती है, समुद्र के अंदर जो केबल्स लगती है बड़ी बड़ी, जिनके थ्रू हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो नेटवर्क का फैला हुआ है, तो ये क्या होगा केबल्स के थ्रू होता है। जैसे इंडिया में जैसे लाइन्स है, ये समुद्र के अंदर लाइन डाल रखी है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जैसे एयरटेल जियो टाटा कम्युनिकेशन, तो इन्होंने क्या करा कि इनकी लाइन बिछा रखी है, तो उससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पूरा इंटरनेट फैला हुआ है। देखिए ये पूरा एकदम मकड़ी का जाला जैसा फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे जूम करें
तो ये वाला दूसरा मैप लेते हैं, ये तो बेकार है। सबमरीन केबल जो समुद्र के अंदर से जो केबल जा रही होती है ये वो है, तो आप वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। मैं पता नहीं कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा था, वहां पर ये तार पे हाथ रखने पे पता पड़ रहा था कि भाई कौन सी किस कंपनी ने बिछा रखी है लाइन्स। रहती बेसिकली जो समुद्र के अंदर रहती है, जो ऑप्टिकल पे काम करती है, मतलब इनकी लाइट के थ्रू डेटा, लाइट की स्पीड से डेटा भेजती है, बहुत फास्ट रहती है ये चीज़ें। तो एनिमेशन, अगर वीडियो एनिमेशन तो आप एक बार में समझ जाओगे क्या चीज़ है। जैसे ये इसके अंदर देखिए पूरा कनेक्ट हो रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। ये देखिए इस टाइप में पूरा पूरी दुनिया इस तरह से कनेक्टेड है तारों के थ्रू, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम रिचार्ज कराते हैं इंटरनेट का, वो हम पैसा देते हैं। ये जो केबल कुबल, मतलब जो सबमरीन केबल के अंदर जो खराबी आती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मतलब कब बाई चांस कभी खराबी आती है, तो हम उस सर्विस मेंटेनेंस का पैसा देते हैं। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक कंप्यूटर मतलब पूरा एक नेटवर्क, एक कंट्री का नेटवर्क दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो केबल ये वगैरह बिछा रखी है, ठीक है, तो हम उनकी चीज़ का पैसा देते हैं। तो आप इधर इधर देखें, सबमरीन स्टेशन, सब मरीन केबल स्टेशन, तो आप इमेज देखोगे और ये न्यूज़ का मामला। तो जैसे ये लोगों ने जैसे ये केबल्स वगैरह मतलब सब इधर आ रही है और इधर से आगे पास करी जा रही है, ठीक है। जो जैसे मैप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्टेशन से अब यहाँ पर मतलब कनेक्शन होके पूरे अंदर की तरफ फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये क्या बिछाते हैं, ये इनका पूरा काम कर रहा है, ये देखिए टिपिकल सबमरीन केबल सिस्टम। तो यहाँ पर उनका स्टेशन रहता है और यहाँ पर वो समुद्र के नीचे नीचे पूरी ऑप्टिकल ऑप्टिकल रहता है, केबल्स बिछ रहती है जो लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करती है, बहुत ही फास्ट रहती है, और यहाँ रिपीटर वगैरह मतलब लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप फिर सर्च करना, ये देखिए ये वाली केबल रहती है वो, ठीक है। इसके अंदर ये कांच वगैरह लगे रहते हैं जो लाइट की स्पीड से डेटा सेंड करते हैं, और ये बहुत मतलब मोटी रहती है, मतलब शार्क वगैरह भी खा जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक वीडियो देख सकते हैं, फनी वीडियो बने बहुत सारे हैं, सब हमारे वीडियो शार्क। तो ये शार्क वगैरह है ना, ये जैसे तार वार खा रही है, ये वीडियो हम देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं वो शार्क वगैरह तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी मोटी रहती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपको सबमरीन केबल वगैरह जो रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो डोमेन डोमेन्स क्या होता है, ठीक है। अपन जो लिख रहे हैं ये google.com, ये क्या है, एक डोमेन है, मतलब आपका एक ऐसा नाम जिस पे आप कुछ कोई यूज़र डाले, आपका कुछ पेज वेबसाइट वगैरह लोड हो जाए, तो ये google.com जिस टाइप से facebook.com youtube.com ये क्या डोमेन है परचेस कर रखे हैं। तो
तो बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसकी अथॉरिटी मतलब वो रूल्स वगैरह उनके रहते हैं, जैसे आई आई कैन आई आई सी एन ए इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नंबर एंड नेम्स एंड नंबर। तो ये जो अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, नेम्स मतलब डोमेन, ठीक है, और नंबर्स मतलब आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा GoDaddy.com, वहाँ से आप अपना डोमेन ले सकते हैं। तो डोमेन होता क्या है, एक यूनिक नेम जो आपको मिल जाए, असाइन हो जाए, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे GoDaddy पे आप जाओगे ना, तो देखिए 150 रुपये में अपना पर ईयर पर जो भी है वो आपको मिल जाए। जैसे मैंने करा नवीन rnjeff.com, तो देखिए नवीन rnjeff.com इज अवेलेबल 499 में, ये पर ईयर के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपका खुद का डोमेन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डोमेन, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है आईपी। तो डोमेन जो रहता है वो किसी आईपी को पॉइंट करता है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पिंग किया google.com, सॉरी पिंग google.com, पिंग पोंग हो रहा है। पिंग मतलब अपन गूगल को कुछ भेज रहे हैं, पोंग मतलब गूगल अपने को रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये पिंग पोंग कहलाता है, ठीक है। तो मतलब अपन ने जब किसी गूगल डोमेन को ट्रेस किया, मैं पिंग किया, तो एक आईपी से रिस्पॉन्स मिलता है। तो डोमेन से करते हैं, एक आईपी को पॉइंट करते हैं मतलब। और ये जो पॉइंटिंग टेबल है कि मतलब कौन सा डोमेन किस आईपी, तो ये जो रिकॉर्ड है कि भाई कौन सा डोमेन कौन सी आईपी को पॉइंट कर रहा है, वो डीएनएस सर्वर रहते हैं, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर का काम रहता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस आप सर्च करोगे तो, ठीक है। ये डोमेन, ये देखिए डोमेन नेम सिस्टम विद हायरार्किकल एंड, तो बेसिकली इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन सा डोमेन कौन सी आईपी को हिट पॉइंट कर रहा है। तो वो डीएनएस रिकॉर्ड रहता है, डीएनएस का सर्वर रहता है डीएनएस टेबल, आप देखे हुए ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो इसके अंदर ये देखिए कि भाई डोमेन कौन किस, ये इनके अलग एक से ज़्यादा सर्वर रहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल उसको बताता हूँ। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, चलिए इसमें तो अभी आपको इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक सॉफ्टवेयर आता है वायर शार्क, जिसकी मदद से आप सब कुछ देख सकते हैं, मतलब उसे छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। तो डीएनएस टेबल होती है, मेरी बात आप तो समझा देता हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर जैसे क्या होता है, जो डोमेन है उसके सामने एड्रेस लिखा रहता है कि भाई ये वाला डोमेन इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया वो पिंग करके, जैसे कि ये ना ना ना, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये बहुत सारे कोई से भी आईपी एड्रेस है मतलब सॉरी डोमेन्स नेम है, तो इन डीएनएस सर्वर क्या करता है, इन डोमेन्स के आगे इनका आईपी रहता है कि भाई कोई डो क्या, हाँ वो समझता है भाई कोई रिक्वेस्ट अगर आ रही है google.com, अगर कोई लिख रहा है तो कौन से आईपी पे इसको भेज देना है, ठीक है। ये डोमेन्स नेम अपने ह्यूमंस के लिए है, ये कंप्यूटर को केवल आईपी एड्रेस से समझता है। मेरा पहले बताता था हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस अलोकेट होता है। तो जैसे मैं गूगल का आईपी अपन ने निकाला था, ठीक है, ये गूगल का आईपी था, तो गूगल का गूगल केवल इस नंबर को समझता है, अगर कोई इस नंबर को डालेगा तो गूगल का सर्वर खुल जाएगा, ठीक
ठीक है, लेकिन ये अगर ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कुछ भी ना, मेरा भी पब्लिक आईपी अगर डालूँ तो कुछ ना कुछ तो खुल ही जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स को याद करना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डोमेन बनाया, ठीक है, जो जो कि नाम लिखने पे नाम ही याद रहता है ह्यूमंस को, तो नेम के आगे वो सर्वर पॉइंट, सर्वर का आईपी है वो पॉइंट करा देंगे। ठीक है, तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए ये जो चीज़ है उसको एक डीएनएस सर्वर रहता है, वो मैं जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसा पूरा सर्वर बना के बताऊंगा कि भाई डीएनएस कैसे काम कर रहा है, जैसे सर्वर्स वगैरह है। ठीक है, तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अपने को करनी पड़ेगी, तो अपन वो पूरा करेंगे आगे की वीडियो। अभी अपन बस बेसिक बेसिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डीएचसीपी ये प्रोटोकॉल्स हैं, देखिए डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पर अपन दे देंगे कि भाई क्या नेम है ए रिकॉर्ड। अगर आपने कभी डोमेन वगैरह साइन करे तो आपको पता होगा ए रिकॉर्ड सी एनएस रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर। ठीक है, तो नेगू यहाँ नाम डाल देंगे, यहाँ एड्रेस डाल देंगे और ऐड कर देंगे, तो पूरा बना के दिखाऊंगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा। अभी तो क्या बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या, अब आगे के जो वीडियोस लाइक जो बनेंगे उस क्लासेस में आपको बताऊंगा प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे HTTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई वो सही जो मॉडल होगा आगे की वीडियो में हम कवर पे पढ़ा स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर पूरा समझाएंगे। कल की उसमें अपन देखेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।